तो आपको कैसा लगा? आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अपने ब्लॉग पर आप फायर क्रैकर इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। आपने बहुत सारे टीवी में, सीरियल्स में, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि वो ऐसा ही फायर क्रैकर इफेक्ट लगाते हैं, और दिवाली आने वाली है तो बहुत सुंदर भी लगता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों में ऐसा फायर क्रैकर इफेक्ट कैसे लगाते हैं। मेरा नाम है अभीत और आप देख रहे हैं टिप्स की ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो भैया, वर्डप्रेस में ये लगाने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। इस प्लगइन की मदद से हम हेडर्स और फुटर्स में अपना मनचाहा कोड हम लगा सकते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि हमने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेटिंग्स में और क्लिक करते हैं इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रिप्ट इन हेडर है, यहाँ पर स्क्रिप्ट इन फुटर है। तो यहाँ पर जो फुटर है इसमें आपको एक कोड पेस्ट करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वो कोड यहाँ पर ले आकर पेस्ट कर देना है। तो हम क्लिक करते हैं पेस्ट और यहां पर क्लिक करते हैं सेव। तो आप जैसा देख सकते हैं सेटिंग सेव, और यहां पर आपको फायर क्रैकर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, फायर क्रैकर इफेक्ट देखने को मिल गया आपको। अब हम ये सीखते हैं कि अपने ब्लॉगर ब्लॉग पर आप ऐसा ही फायर क्रैकर इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको क्लिक करना है थीम, उसके बाद एडिट HTML, उसके बाद यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है, उसके बाद एंटर। अब यहाँ पर बॉडी से जस्ट पहले /body से जस्ट पहले हमें कोड पेस्ट करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद सेव थीम पे हमें क्लिक करना है। तो चलिए, थीम सेव होने के बाद एक बार अपना ब्लॉग देखते हैं। न्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें फायर क्रैकर इफेक्ट देखने को मिल गया है। तो हमने सीखा कि बोथ ब्लॉगर और वर्डप्रेस में आप फायर क्रैकर इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। अगर आपने फायर क्रैकर इफेक्ट अपने ब्लॉग में लगाया तो कमेंट कीजिए यस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें।